अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ इंटरनेट मटेरियल रिगार्डिंग फिलोसफी सब्जेक्ट और कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स थी, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद उसको थोड़ा सा देखेंगे। मज़ीद कुछ मेरे पास इंटरनेट लिंक्स हैं, कुछ वेब लिंक्स हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। प्लस हम ये देखेंगे कि नोट्स बनाने का ईजिएस्ट वे क्या है। अच्छा, अब देखिए, जिस तरह मैं नॉर्मली कोई भी गूगल सर्च करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है व्हिच इज़ दिस, जिसमें मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसके नोट्स या उसके लिंक्स मैंने सेव किए हुए, ठीक है, ताकि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट टाइम में मुझे दोबारा से ए टू जी सर्च ना करनी पड़े। मेरे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिंक्स अवेलेबल हों तो मैं वहाँ से उसको निकाल के रीड आउट करूँ। अच्छा, ये देयर आर न्यूमरस लिंक्स, ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे कुछ ना समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ। मैं आपको ईजिएस्ट वे बताती हूँ पढ़ने का, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक विकिपीडिया का लिंक खोल लेते हैं, पहले आप ये भी देखेंगे कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है। ओके, अब हमने कोर्स पैक खोल लिया, हमें पता लग गया कि जी हमारी ये आउटलाइन है, और इसमें अब हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है जी इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, जिसपे नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी। यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन गूगल, एंड यू विल गेट दिस मच ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप इसको वन बाय वन लिंक ओपन करते जाएं एंड देखते जाएं कि इसमें क्या है, ठीक है। जहां पे आपको थोड़ी सी रेलिवेंस लगती है, नाउ यू सी नेचर ऑफ फिलोसफी में उसने कितनी सारी बातें की हैं, ठीक है, फिलोसफी की नेचर कितना सारा मटेरियल है। नीचे आते जाएं, फिर स्कोप ऑफ फिलोसफी है, स्कोप में क्या क्या चीज़ें आ रही है, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी। अब आप देखिए कि ये तीनों चीज़ें हमारी स्टडी से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर फर्दर आप स्क्रोल डाउन करें तो आपको इस पर बहुत सारा मटीरियल मिलेगा, फिलोसफी एंड थियोलॉजी, रिलीजन के बारे में क्या है। अब आप क्वेश्चन भी देखें, अगर पास्ट पेपर्स को भी आप फॉलो करेंगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिलोसफी और रिलीजन की बात हुई भी है, ठीक है, फिलोसफी इन पोएट्री एंड दैट्स ऑल। यहाँ तक इसमें फिलोसफी के रिगार्डिंग छः सब हेडिंग्स हैं, छः टॉपिक्स हैं जिसको इसने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, आप इसको बुक मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो बुकमार्क कर लें, चाहे तो यहीं से पढ़ना शुरू कर दें, या चाहे तो इस सब टेक्स्ट को, समटाइम्स इंटरनेट डाउन होता है आपका, समटाइम्स आपको दोबारा से वो पेज मिल नहीं रहा होता, या कुछ भी ऐसा रीज़न होता है कि वो करप्ट हो जाती है फाइल, तो इट्स अ बेटर एंड ईजी वे कि आप इस सब को कॉपी पेस्ट करके किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट पर आप इसको सेव कर लें, ताकि आपके पास वो नोट्स बनते जाएँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये मैंने भी वही डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसमें मैं कहीं ना कहीं इंसाइक्लोपीडिया से मैंने टेक्स्ट निकाला और मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसको पढ़ते वक्त मैं साथ साथ उसको हाईलाइट भी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अगर मुझे कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ मज़ीद स्किप करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, कुछ नोट्स हैं, कुछ कॉमेंट्स हैं, तो मैं वहीं पर सब कुछ बना रही हूँ। तो इस तरह से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, मैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सक रही हूँ और मैं उसमें अपना भी इनपुट दे सक रही हूँ। तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप उसको अगर पेस्ट करते थे तो दैट्स वेल एंड गुड, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अगर आप कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, आप उसको उसी वक्त हाईलाइट करें, उसके साथ में उसका कोई कॉमेंट ऐड करें, एक्स वाई जी कुछ भी आपने ऐड करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। फिर इसी तरह हम दोबारा वापस जाते हैं तो हमारे पास देखें बहुत सारी है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिलोसफी। सबसे पता है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें एक्चुअली में ना इंटरनेट सर्फिंग नहीं आती, हमें इरेलीवेंट चीज़ों की सर्फिंग बहुत आती है, बट जो हमें टू द पॉइंट और पिन पॉइंट चीज़ें चाहिए होती है ना, जो हमारी रेलिवेंट डेटा होता है, हमें उसके रिगार्डिंग हमें डेटा नहीं मिल रहा होता। हालांकि डेटा सामने ही होता है बट हमें उस तरह से ढूंढना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी इंटरनेट पर तो हमें कुछ मिला ही नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने सारे लेक्चर्स या कितने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी एक को भी उठाएं और उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लेक्चर उसके नोट्स आप अपने खुद से बना सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह अच्छा विकिपीडिया का मैं आपको दिखा रही थी कि भी ठीक है विकिपीडिया पे आप उस रिलाय नहीं कर सकते रेरा को, बट विकिपीडिया का जो कंटेंट होता है ना इसको ज़रूर देखें किसी भी एक टॉपिक। अब ये एवरोस का है टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इसके जो कंटेंट है बायोग्राफी हो गया, वर्क्स हो गया इसके, फिलोसॉफिकल आइडियाज़। अब हमें हमें फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ये वाले चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ गॉड, विच मीन्स कि अब हमें अगर प्रिपेयर करना है नेचर ऑफ गॉड्स में, नेचर ऑफ गॉड में हमें दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, विच इज़ एग्जिस्टेंस एंड गॉड्स एट्रीब्यूट। तो हमें पता होगा कि अच्छा नेचर ऑफ गॉड की अगर हम बात करें तो उसमें हमने फर्दर दो तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और ये एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, चाहें तो ना ले, कहीं और से देख लें। इब्ने रुश्द पे आप कहीं और से डेटा उठा लें, आपको बहुत मिलेगा डेटा। फिर नेचुरल फिलोसफी में आप देख सकते हैं कि इनके ये काम थे, इन इन टॉपिक्स पे इन्होंने काम किए, ठीक है। फिर इनकी लेगेसी क्या है, इस्लामिक ट्रेडिशन में इन्होंने क्या काम किए, ठीक है, वो आप सब यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। एक सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक बहुत सर्फिशल डिटेल्स या सर्फिशल नॉलेज गेन करने के लिए आप इसको विकिपीडिया के कंटेंट देख सकते हैं। मैंने विकिपीडिया को कंटेंट्स के लिए हमेशा यूज़ किया कि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा जो टॉपिक है उसको मैंने सब डिवाइड कैसे करना है। तो अभी मुझे पता आइडिया हो गया कि जी मैंने इब्ने रुश्द को इन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ में डिवाइड करना है, ठीक है। ये छः फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, मुझे इनमें डिवाइड करना है। लेगेसी की बात करें तो ये तीन आइडियाज़ हैं, मुझे इनमें इसको डिवाइड करना है। मेरे पास काम होना चाहिए इस्लामिक ट्रेडिशन का, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करूँगी, ठीक है। ये हो गया नोट्स बनाने का तरीका, मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी टर्म उठाएंगे, अब जिस तरह मैं यहाँ से एक और टर्म उठाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिकार्ट्स उठा लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया एंड हेयर आई गेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप इसको सेव भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़, ठीक है। अब देखें ये स्टैनफोर्ड की मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, plato.stanford.edu, ये वाला लिंक मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सही। अब यहाँ पे इसमें भी बहुत सारा डेटा मटेरियल होता है, इसमें भी इनकी पहले बायोग्राफी आएगी, उसके बाद फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है, न्यू मेटाफिजिक्स में आप इनका यहाँ से भी कंटेंट देख सकते हैं। आपको पता होगा कि भी माइंड बॉडी, गॉड इन एरर, नेचर ऑफ रियलिटी, मार्क ऑफ ट्रूथ, ये मेजर चीज़ें हैं, मेजर इनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं जो आप फिलोसफी में ऐड कर सकते हैं, फिलोसफी के पेपर में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और यही टॉपिक्स हैं जिस पर मोस्टली लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप करके सारे जिस तरह फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एथिक्स, आप इन सबको वन बाय वन, मैं बार बार क्यों आपको कहती हूँ कि आप नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आप किसी के पढ़े हुए नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप किसी के बने हुए नोट्स को, उसने मेहनत की है, उसको पता है कि फ्रॉम स्क्रैच कैसे ये नोट्स बने हैं, और फ्रॉम स्क्रैच उसने कहाँ कहाँ से फाइंडिंग्स ली हैं, और वो सिर्फ उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया। आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करेंगे उसको पहले रीड आउट करेंगे ना, या तो कॉपी पेस्ट करने से पहले रीड आउट करेंगे या कॉपी पेस्ट करने के बाद रीड आउट करेंगे, तो इन एनी वे आपको उस टेक्स्ट की समझ में आएगी, ठीक है, कि ये बात, ये टॉपिक किसके रिगार्डिंग है, इसमें बात क्या हो रही है, इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है, वो रेलेवेंस कहाँ पे डेवलप हो रही है। तो ये चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी से आएगी, या आपको कोई मैं कोई और आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकता है, ठीक है। उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो करना है और किस तरीके से करना है, वो हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। इस तरह आप एक एक फिलोसोफर को उठाएंगे, एक एक मेथड को उठाएंगे, यहाँ से पहले आप मेथड उठाएंगे, ठीक है, उसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सोक्रेटिक मेथड में क्या क्या चीज़ें आ रही, फिर आप इंडक्टिव मेथड उठाएंगे, उसमें देखेंगे। अगर आपको इंडक्टिव मेथड में बेकन और मिल की बात नहीं समझ में आ रही ना, कि उन्होंने बेकन और मिल का तो जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंडक्टिव मेथड का जिक्र किया, तो आप सेपरेटली बेकन और मिल को यहाँ से उठाएंगे और उसको पेस्ट करेंगे, ताकि बेकन और मिल के अकॉर्डिंगली वो इंडक्टिव मेथड को बताएं। जब आप बेकन फिलोसोफर को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें उसकी जो मेथोडोलॉजी यूज़ हुई हुई है वो इंडक्टिव हुई हुई है। मिल को पढ़ेंगे तो उसकी मेथोडोलॉजी आपको इंडक्टिव, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो बता देगा, सही। इसी तरह डिडक्टिव मेथड है, उसमें एरिस्टॉटल और डिकार्ट को सेपरेटली पढ़ लें या डिडक्टिव मेथड के अंदर पढ़ लें, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। हेगल को उठाएं, इसी तरह ना एक एक फिलोसोफर को आप सर्च करें, उस पर यू विल गेट न्यूमरस डेटा, न्यूमरस। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें तो डेटा मिलता ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ आता ही नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत डेटा है, इंटरनेट पे आप जाएं बहुत मटेरियल है। सबसे बेस्ट साइट इज दिस वन, ठीक है, प्लेटो डॉट स्टैनफर्ड या इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया। ब्रिटानिका की भी अच्छी है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो इस पे भी मटेरियल डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें डिकार्ट्स की उन्होंने पूरी वेबसाइट ही बना दी, डिकार्ट्स.com, ठीक है। IEP.UTM ये इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया, इसमें भी डिकार्ट्स का बहुत डेटा है। देन टॉक अबाउट फिलोसफी बेसिक्स, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ये देखें ब्रिटानिका पे ये फिलोसफी इसकी सारी बताई हुई है, सारी फिलोसफी डिस्कस की हुई है। वर्ल्ड एंड डिस्कोर्स ऑन मेथड मेडिटेशंस, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये रेने डेकार्ट्स की मेडिटेशंस पे ले आता है। ये सारा टेक्स्ट इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मॉरल्स आ जाते हैं, सही, ये सारी बातें आ जाती हैं। देन द बेसिक्स ऑफ फिलोसफी, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉर बेसिक, जिसे उन्होंने बेसिक स्टडी करनी है, तो ये उसके लिए आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता है हर फिलोसोफर का, ठीक है। तो फिलोसफी बेसिक्स डॉट कॉम, इसको भी आप माइंड में रखें, जब भी आपने पढ़ना हो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आसान लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपको बहुत मुश्किल नहीं मिलेगी जो आपको स्टैनफोर्ड से या इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया से मिलेगी, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, बट ये फिलोसफी बेसिक से आपको बहुत ईजी लैंग्वेज मिलेगी, जिससे आप इजीली कैरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस तरह ये तो हमारा सिर्फ एक पेज था, ठीक है। फिर इस तरह हम डिफरेंट फिलोसोफर्स को सर्च करेंगे और डिफरेंट फिलोसोफर्स की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए ऑटोमेटिकली उन्हें पता है कि इस फिलोसोफर की क्या क्या वर्किंग है, वो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको दे देता है। यहाँ पे जब आप, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके पास किसी डेटा की कमी है। हाँ, अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो नोट्स बनाने की कमी है, आपने अब नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी देखिए ह्यूम पे मैंने आपको बताया, ये स्पार्क नोट्स भी एक वेबसाइट है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से भी आप ले, क्योंकि ये आपको समराइज करके आइडियाज बता देते हैं। तो अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चाहते हैं, समराइज्ड फॉर्म में चाहते हैं कि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाए, तो आप यू कैन गो फॉर स्पार्क नोट्स, यू कैन गो फॉर फिलोसफी बेसिक्स डॉट कॉम, या आप विकिपीडिया को एक बार पढ़ लें, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लिखो, कि वो लोगों के अपने आइडियाज हैं, व्यूज हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ लें। वैसे तो हर बंदे ने ही लिखना, किसी वेबसाइट पे क्या किसी बुक पे भी लिखेंगे तो वो किसी बंदे ने ही लिखा हुआ है ना। सो इट्स नॉट लाइक के आप उसको ऑथेंटिकेट करें, या खैर वट एवर एवरीबडी थिंक्स, लाइक ये हर की अपनी अपनी मर्जी है, तो दैट्स अप टू यू, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन विकिपीडिया से आई वुड सजेस्ट कि आपको कंटेंट्स जो है ना वो समझ में लग जाएंगे। अच्छा, अब ये ह्यूम के बारे में इन्होंने अच्छी खासी समरी दे दी है, जिसमें वो सब कुछ कवर करें, फिर ये एक एनालिसिस आ जाता है ह्यूम का, ठीक है। फिर अच्छा, इस वाले अब टॉपिक में मैंने क्या, मैंने ह्यूम को ना हर जगह से कॉपी पेस्ट किया है, इट्स नॉट लाइक किसी एक सोर्स से मैंने किया, मैंने हर जगह से किया है। ये वाला इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया से किया हुआ है, ऊपर वाला स्पार्क नोट से था, फिर ये डेविड ह्यूम का काइंड ऑफ परसेप्शन है। तो मुझे जहाँ से भी जिस फिलोसफर के बारे में कुछ अच्छी रीडिंग्स मिलती हैं, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव कर लेती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ूँ। अब देखें ये 15 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है पूरा, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे 15 पेजेस ही लिखने भी हैं, 15 पेजेस ही मैंने उसको पढ़ने, नहीं, मुझे उसमें जो इम्पोर्टेंट बात नज़र आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, मैं वो रख रही हूँ, बाकी मैं उसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो दैट्स अप टू यू कि आप उसको क्या रखना चाहते हैं अपने पास और क्या नहीं रखना चाहते, ये तो हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। हेगल पे अगर हम देखते हैं तो हेगल का जो मोस्टली मैंने डेटा उठाया है वो इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया या स्टैनफोर्ड से ही उठाया है, इसके अलावा मैंने उसको कहीं से नहीं पढ़ा। हेगल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया और स्टैनफोर्ड से ही दी। अब देखिए मैंने उसको हाईलाइट भी ऐसे किया हुआ है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जब इसको रिव्यू करूँगी, रिविजिट करूँगी, तो मुझे पता होगा कि बाकी टेक्स्ट शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, तो मुझे इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैंने इनके कमेंट्स भी मैं दे सकती हूँ, और मैंने कमेंट्स भी इस सेक्शन में कमेंट्स मैंने दिए हुए हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट में आके ये कन्फ्यूजन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसको इस ऐसे रिविजिट करना है, मुझे इसको किसी और तरीके से देखना है, या जो मेरी ईजी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ आई, तो मैंने उस
एक टेक्स्ट पे कमेंट डाल दिया कि जी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इन माय वर्ड्स, इन माय ओन वर्ड्स, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको रिविजिट करूँ तो मुझे आइडिया हो जाए कि इसका ये मतलब था। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी और शायद किया भी होगा जो थोड़ी बहुत मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन कम्प्लीटली फील फ्री टू जस्ट टेल मी, क्योंकि मैंने इतने सारे, मैंने बहुत रिसर्च किए, ऑनेस्टली बताऊँ मैंने बहुत रिसर्च किए। आई नेवर वेंट फॉर बुक्स, मुझे बुक्स का मटेरियल और बुक कैरी करना और उसको खंगालना मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना मैं इंटरनेट सर्फिंग ईजीली कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ से बहुत सारा मटीरियल जो है अपने पास सेव रखा हुआ है, हर एक टॉपिक पे मैंने न्यूमरस रिसर्चेस की हैं, उसके बाद जो मुझे इजी और अच्छा लगा है टेक्स्ट वो मैंने यहाँ पे सेव रखा है अपने पास और उसको फिर मैंने विद टाइम उसको रीड आउट किया है, ठीक है। तो अगर आपको भी चाहिए कुछ ऐसा, कुछ हेल्प चाहिए तो जो मैं इजीली आपको बता सकती हूँ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर कोई हेल्प मैं कर सकूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो। नोट्स बनाने का यही तरीका है कि आप कहीं से इन टेक्स्ट उठाएंगे और उसको डंप करते जाएं वर्ड पे, ठीक है, एंड व्हेन यू जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट टेक्स्ट तो उसमें से जो अननेसेसरी लाइंस हैं, अननेसेसरी टेक्स्ट है, उसको निकाल दें। ट्राई टू गिव, अगर वो एक एसे की फॉर्म में है या उसकी कोई हेडिंग्स नहीं है तो ट्राई टू गिव देम न्यू हेडिंग्स, ताकि आपके पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है, आप उस टेक्स्ट को, उस एक पैराग्राफ को आप अपने तरीके से हेडिंग्स देना शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि आप पेपर में भी हेडिंग्स को रिप्रोड्यूस कर लेंगे, आप टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस कर लेंगे और आपको आइडिया और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये जो थोड़ी बहुत टिप्स मैंने आपको बताई हैं दैट विल हेल्प यू। कोई और बात हो, कुछ और पूछना हो तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।